Hello students. Today we are going to do question number six of exercise five point two, chapter number five, lines and angles, class seven mathematics. This is the last question of the exercise as well as the chapter also. So let's start. In the given figure below, decide whether l is parallel to m. So we have to find out ki l m k parallel hai ki nahi. So टू लाइन्स आर पैरल इफ करस्पोड एंगल्स इक्वल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल और एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसफर्सल इज सप्लीमेंट्री सो दिस वी नो वेरी वेल बिकॉज यू आल्सो स्टडी इन द प्रीवियस वीडियो चेकिंग फॉर पैरल लाइस में हमने पढ़ा है कि अगर करस्पोर्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं तो लाइन्स क्या होती है पैरल होती है और इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरल होती हैं। एंड लास्ट वन ट्रांसवर्सल सेट्री होते हैं प्रीवियस वीडियो नाउ लेट्स डू दिस टू इंटीरियर एंगल्स आर गिवन टू अस लेट्स डू द सम अगर समाइन्स आर पैर सो 44 plus 126. So, what is the sum? 170 degree. Sum is 170. 180 is not I, Which is not equals to 180 degree. 180 is Therefore, we can write. Therefore, L is not parallel to M. What is this symbol? Not parallel. Since the sum is not 180 degree. Therefore, lines are not parallel.

विच इज अगेन नॉट इक्वल टू वन एटी क्यूकि इन दोनों के अंदर का सम वन एटी नहीं आ रहा है तो लाइन क्या होगी पैरल नहीं होगी दिस द रिजल्ट वी नो फ्रॉम द चेकिंग फॉर पैरल लाइन्स हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि अगर दोनों का सम वन एटी आता है लाइन्स आर पैरल देन ओनली लाइन्स आर पैरल सो सी ये द सम इज नॉट वन एटी देन देर फोर एल इज नॉट पैरल टू का सिंबल पैल के क्रॉस कर देना नाउ सी दर्ड पार्ट वन ट्वेंटी थ्री सो लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल वन नाव थर्ड वन एंगल वन इक्वल्स टू नाउ सी एंगल वन प्लस वन ट्वेंटी थ्री का सम कितना वन एटी डिग्री लीनियर पेयर दिस वी नो लीनियर पेयर इन दोनों से होगा सो एंगल वन निकालते हैं से वन एटी माइनस वन ट्वेंटी थ्री फिफ्टी सेवन आ गया नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो एफ बन रहा है देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये देखो करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ये फिफ्टी है ये भी 57 है सो करस्पोडिंग एंगल्स आर इक्वल सो हियर करस्पोर्डिंग एंगल्स आर राइट हियर करस्पोन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करस्पोन्डिंग एंगल इज इक्वल देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम And the last one, see, here also again, this is 98. So, let's give this one, this one. Let's find out this one first, angle 1. Let's see this angle 1. Now, angle 1 equals to, fourth part, angle 1 plus 98 equals to 180 degree linear pair again. इन दोनों से वन डिग्री लीनियर पेयर नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेस हैं एंगल वन इक्वल्स टू वन एटी माइनस नाइनटी एट सब एटी टू एंगल वन आ गया एट्टी टू अब देखो एंगल वन और एंगल सी ए सेवेंटी टू ये करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं सी करस्पोडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल दिस टू करस्पोड एंगल्स इक्वल नहीं आर सिंस करस्पोर्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल देर फोर एल इज नॉट पैरल टू एम एल एम के पैरल नहीं है सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन Next, I hope you understood. Thank you so much for watching the video.